अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुआद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोजादी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई ट्रिक लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी वीडियो जो है वो कुछ व्हाट्सएप के रिलेटेड है। कई लोगों को नहीं पता कि व्हाट्सएप को अपने प्रोटेक्टेड कैसे रखें। तो अगर पता आपको ये भी पता है कि व्हाट्सएप वाले आपके डाटा आगे पीछे शेयर करेंगे, दूसरी कंपनियों को देंगे। अगर वो पैसा बिज़नेस करेंगे, तेरी पता है कोई उनको पैसा देगा तो आगे आपको डाटा शेयर करेंगे। तो उससे बचने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, आपको मैं बताता हूँ। तो वीडियो को देखें, एंड तक वॉच करें। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से आना है अकाउंट, ठीक है, इसमें प्राइवेसी में यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देखें हो रहा है, टू स्टेप वेरीफिकेशन, ठीक है। ये अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपकी सिम कहीं गिर गई, ठीक है, आपकी सिम कहीं गिर गई है, गिरने के बाद किसी बंदे को मिल गया, या किसी बंदे ने आपको मोबाइल लेके अपने मोबाइल में व्हाट्सएप क्रिएट किया और वो कोड आया और कोड उसने लगा दिया, इस तरह तो व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। जरिए बताओ एक अगले के पास कोड आया उसने लगा दिया। अब इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप जब ये यहाँ पे ये डबल टू स्टेप वेरीफिकेशन पिन लगाएंगे तो अगर कोई बंदा आपको अगर आप भी लगाएंगे, आप कहीं और अकाउंट किसी और जगह पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपसे वहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा 6 डिजिट का। अब वो पासवर्ड तो सिर्फ आपको ही पता है, अगले बंदे को तो नहीं पता। अगले बंदे ने ये तो किया, ये जो भी किया, आपके सिम से नंबर उठा के जो भी है आपके अकाउंट क्रिएट कर लिया, पर वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकेगा। तो वहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, तो वो आपको पता होगा वो आपने कैसे लगाना है। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो मैं इसे भी डिसेबल कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे जब आप यहाँ ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अनेबल का ऑप्शन शो होगा। अनेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें 6 लफ्ज़ लिखने हैं, कोई भी चल रही है। यहाँ पे आप मैं आपको देखें कुछ भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं। सिंपल नहीं लगाना, वो लगाना जो आप याद भी रखें। हाँ, अगर आप इसको वो लगाना जो आप याद रख सकें, कोई और नहीं लगाना कि आप भूल जाएँ, भूलने वाला काम यहाँ नहीं करना। और यहाँ पर कोई भी अपना ई मेल दे देना है, ठीक है। यहाँ से ई मेल दे दिया दोबारा कोई, और यहाँ से ये सेव हो गया, ठीक है। अब ये सेव हो गया, जब आप इससे आप प्रोटेक्टेड हो गए। कई दफ़ा ये आपको इसी व्हाट्सएप पे मांगेगा, जब आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे ना, कई दफ़ा यहाँ पे आपसे ये कोड मांगेगा कि अपनी टू स्टेप वेरिफिकेशन दें। आप आप वही यूज़र हैं जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या कोई और है, ठीक है। यहाँ से आप पिन चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ख़त्म भी कर सकते हैं अगर चाहें। मेरा यही कहना है कि आप इसे ख़त्म नहीं करें, इसे आप यूज़ करें तो ये बेटर रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।